गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी खेड़ा, यूर कंप्यूटर टीचर. टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल. चैप्टर 1 है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, टू एक्सप्रेस आवर आइडिया टू अदर पर्संस. कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स विथ अ ग्रुप. इट कैन बी अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1, इन्फॉर्म. हम कम्युनिकेशन करते हैं ताकि हम सामने वाले को इन्फॉर्म कर सकें. गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन द टाइम टेबल फॉर एन एग्जाम. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस. टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट द यूजुअली इम्पॉर्टेंट वे. फॉर एग्जाम्पल, If a shopkeeper reduces the price, helping a friend to overcome stress due to exam. Next है express feeling, that this is the basic benefit and most important benefit of communication, कि हम communication से अपनी feelings जो है वो express कर सकते हैं. Talking about your feeling is a healthy way to express the feeling. Sharing our excellent about doing well in your exam with your parents and friends. Next है elements of communication. Elements of communication में क्या आता है कि जब हम verbal information दे रहे हैं, जब हम written information दे रहे हैं, तो हमारे पास दो तरह के दो factors होते हैं. Number 1, जब हम speaking दे रहे हैं तो someone is writing, speaking and writing. And next level पे क्या होता है, जब हम read कर रहे हैं तो सामने वाला हमें listen कर रहा है, तो reading and listening. These are the elements of communication. देखिए यहाँ से समझिए, जैसे सेंडर के दिमाग में ये मैसेज, ये थॉट आया कि मैंने मैसेज सेंड करना है, तो वहाँ से मैसेज जो है वो कोडिंग होना शुरू हो गया. नंबर 2 स्टेप पर अगर हम गए तो अ सेंडर सीड सेंड अ मैसेज. नेक्स्ट 3, अ चैनल. चैनल मतलब पाथ जिसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हमने मैसेज पहुंचाया, जैसे सपोज फ़ोन पे पहुंचाया, व्हाट्सएप किया, या ऑडियो वीडियो हमने कुछ भेजा उसको, दैट इज़ चैनल्स. उसके बाद रिसीवर ने वो मैसेज जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर ली, दैट इज़ 4th पार्ट. 5th स्टेप क्या होगा हमारा, कि अब रिसीवर की इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू सेंड द रिप्लाई, तो दैट इज़ द प्रोसेस. नेक्स्ट आता है प्रस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. क्या आता है प्रस्पेक्टिव में? नंबर 1, लैंग्वेज, इट शुड बी वेरी क्लियर. नंबर 2, अगर विजुअल है हमारे पास, अगर हम कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ विजुअल, ठीक है, इट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच क्लीन. नेक्स्ट है कल्चर, इट द लैंग्वेज शुड नॉट बी यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स. नेक्स्ट है फीलिंग, नॉट गुड और फीलिंग समथिंग, कि कुछ भी अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सामने वाला कैसा फील कर रहा है, वो भी हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ध्यान रखें. सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए ये प्रोसेस होने बहुत ज़रूरी है, ये फैक्टर्स होने बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, क्लियर होना चाहिए कि आप व्हाट यू वांट टू से. नेक्स्ट, कंसाइज होना चाहिए कि जो भी आप कह रहे हो, जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो अननेसेसरी ना यूज़ किए गए हों. कॉन्सिक्रेट, यूज़ एग्जैक्टली वर्ड्स. नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग और लैंग्वेज और ग्रामर शुड बी वेरी मच करेक्ट होनी चाहिए. कोरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस. जो आप कहना चाह रहे हो वो आपके वर्ड्स जो हैं वो उसी सेंस को ही बयां कर रहे हों. नेक्स्ट है कंप्लीट, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इटसेल्फ कंप्लीट होनी चाहिए. नेक्स्ट है कर्टियस, कि आप उसमें रिस्पेक्टिवफुली वर्ड्स जो है वो यूज़ करें, अब्यूज वर्ड उसमें आपके कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होने चाहिए. उसके बाद आता है कम्युनिकेशन के टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ओनली वर्ड्स. इसमें सिर्फ वर्ड्स का हम लोग गिव एंड टेक करते हैं. द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर, कि अगर हम फोन पे, सपोज फोन पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन अगर हम कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. क्लासरूम टीचिंग
बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीचेज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें एक पर्सन जो है वो बाकी अदर पर्सन को होस्ट कर रहा होता है। अब इसी का ही एक और टाइप है राइटिंग कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वी यूजिंग राइटिंग, राइटिंग लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स, वी आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स इन रिटन कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ वेरी मच ईजी एंड वेरी मच क्विक। यू कैन से वट यू वॉन्ट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द कल्चरल डिफरेंस। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि आप जिस लैंग्वेज में आप उसे बात कर रहे हैं सामने वाला, या जिस सेंस में आप उसे बात कर रहे हैं सामने वाला, उसी सेंस में पूरे मीनिंगफुली उस बात को समझ सके। एंड द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इट कैनॉट बी चेंज ऑन द क्विक मोमेंट। यस, नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैसेज तो सेंड होगा ही, रिसीवर उसमें रिसीव भी करेगा, बट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स इन दिस कम्युनिकेशन वी यूजिंग ओनली एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स हम लोग जब यूज़ करते हैं, बॉडी एक्सप्रेशन जब हम यूज़ करते हैं, देन यू विल लर्न टू यूज़ द करेक्ट बॉडी लैंग्वेज लाइक गेस्चर, लाइक आई कॉन्टैक्ट, लाइक हैंडशेक, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग। देखिए ये क्या है आपके पास, अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल वो हैं, जैसे एक्सप्रेशन देते हैं हम लोग, इसमें पोस्चर्स बनाते हैं, गेस्चर्स हमारे सही होने चाहिए, टच करके हम उनको अपनी फीलिंग बता सकते हैं, स्पेस देके हम उनको अपनी फीलिंग बता सकते हैं, नेक्स्ट आई कॉन्टैक्ट से भी, नेक्स्ट पैरा लैंग्वेज मतलब लिप मूवमेंट से हम उनको अपनी कम्युनिकेशन बता सकते। देखिए इस डायग्राम से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, और यू आर वेरी सरप्राइज्ड टू नो अबाउट दिस फैक्ट, कि वर्बल कम्युनिकेशन कितनी कम हो रही है और एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, पिक्चर्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। वॉइस कंट्रोल जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ये कितनी ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने लायक बात है वो ये है कि इसमें वर्बल कम्युनिकेशन हमारी बहुत कम है। यस स्टूडेंट्स, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, कि जिससे हम अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने इन्फॉर्मेशन जो है हम सामने वाले पर्सन तक, रिसीवर तक ईजिली पहुँचा सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मैथड। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन, लाइक सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस एंड पिक्चर्स। द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ ए कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ वेरी मच सिंपल। जैसे अब इसमें देखिए ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे शोर, ये आपको पिक्चर देखने से पता चल गया कि यहाँ पे शोर अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर क्या है, दिस इज़ अ साइन फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट। जैसे यहाँ पे अब पिक्चर्स बना दी गई, सिंबल्स बना दिए गए, और वो अंडरस्टूड आप लोग कर लेते हैं खुद से, दैट इज़ अ विजुअल, मतलब पिक्चराइजेशन जिसे बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इस तरह से ही जैसे अब रेड लाइट का साइन हमने बना दिया कि आपको पता चल जाएगा आगे रेड लाइट आने वाली है। नेक्स्ट रेलवे साइन, रेलवे क्रॉसिंग का साइन हमने बना दिया, साइन फॉर स्लिपरी सरफेस का हमने साइन बना दिया। तो ये लैंग्वेज जो होती है ये आपको अंडरस्टैंड, ये आपको यूज़ टू करते हो तो अपने आप से ही पता चल जाता है, आप समझने लगते हो, इसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में, इट इज़ वेरी मच ईजी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टूडे, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी, बाय।